कितनी एज है आपकी और वोट कास्ट कर रहे हैं आप? 90 के करीब है। और वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि कौन पाकिस्तान की तकदीर तब्दील कर सकता है? नवाज शरीफ। तो हमेशा से उन्हें वोट देते रहे हैं? हाँ जी। या इस दफा खास तौर पर आए हैं वोट देने? इस दफा खास तौर पर आए हैं, पहले भी आता रहा हूँ। पहले पिछला जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी था मैं। तो नवाज शरीफ से आपकी खास दोस्ती है? नहीं जी, कोई नहीं। दोस्त हैं आपके? हाँ जी दोस्त हैं। एज में तो आप नवाज से भी बड़े हैं। कौमी नजरिए से उनको वोट दे रहा हूँ, क्योंकि वो उस जो केस चला था उस पर एक जुर्म भी साबित नहीं हुआ था नवाज शरीफ पर, और दूसरों पर तीन तीन चार चार केस साबित हुए हैं। आपने पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें बनती और गिरती देखी हैं। हाँ। आप क्या समझते हैं कि सबसे बेहतर गवर्नमेंट किसकी रही है? नवाज शरीफ की। कौन सी, 90 की रिहाई वाली या अभी 13 से 18 वाली? 1318 वाली। और अभी अभी नवाज शरीफ पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर लेंगे? बिल्कुल, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। आप अपना ये दिखाइए जो वोट कास्ट करके आए, ये निशान दिखाइए अगर कैमरा इसको रिकॉर्ड कर सके। और जो लोग अभी वोट कास्ट करने नहीं आए उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको कहूँगा, उनकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि आकर वोट दें और मुल्क की तकदीर ताकि नवाज शरीफ बदल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं खिदमत दे ही चाह रहा हूं। मैं उस दिन जब तुहाडे घर आया सी ना जी, जी जी, तो तुम जिस जज्बात का इजहार किया, मैं वड्डे मियां साहब दस्या है। मैं कहा जी, जो जज्बा माशाल्लाह बट साहब ने दिखाया है, मैं इस उम्र के भी और हिम्मत की है, थोड़ी बहुत मेहरबानी है। सानू फखर है, सानू नाज है तुहाडे ते। इंशाल्लाह।